हवाले से मामला चल रहे हैं, मुलाजमीन दुश्मन कुछ पॉलिसीज़ हैं उनको रोकने के लिए इंतहाई हद तक जो है गवर्नमेंट भी जा रही है IMF के प्रेशर के ऊपर, और इस वक्त ज़रूरत है इत्तेफाक और इत्तेहाद की। आज जॉइंट एक्शन कमेटी के पास हाजिर हुए थे, आज जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठ के प्रैक्टिकली ये डिसाइड हुआ है कि पूरी तादाद के अंदर जो है जिस तरह से सूबों के अंदर जो है हमारे मुलाजमीन खासतौर पर टीचर्स हजरात और नॉन टीचिंग साथी एक क्लरिकल की साइड से भरपूर तादाद से KP हो या पंजाब हो, हमारे गैप का वफाक की जानिब से भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। और नुमाइंदगी के हवाले से एजुकेशन कम्युनिटी के हवाले से आज ये भी डिसाइड हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है हमें दो नाम जो है वो देगी, और मुज़ाकरात के टाइम के ऊपर जो है तादाद को देखते हुए डेलीगेशन की उसके अंदर से जो है हम एट दैट टाइम जो है फाइनलाइज करेंगे। तमाम मुलाजमीन के लिए यह मैसेज है कि बजट 2024 जो है जो पेश होने जा रहा है गालिबन 5 से 6 तारीख थी और अभी 10 की समरी गई हुई है, बजट के दिन भरपूर तरीके से एक दिन पहले और ख़ास तौर पे 29 मई हमारा बजट जो है उसके हवाले से जो चीज़ें फाइनलाइज होनी है पंजाब के अंदर KPK के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम अजला के अंदर जो एहतजाज होंगे, पेशावर में सूबाई असम्बली के सामने और पंजाब में भी सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज होने 29 मई को जो है भरपूर तरीके से आपने अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है। तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है, आपने फेडरल सेक्रेटेरिएट वजारत खजाना के सामने इकट्ठे होना है ताकि हुकूमत को हम पैगाम दे सकें कि मुलाजमीन परेशानी में है। आप अगर बड़ी तादाद में नहीं निकलते तो कायदीन के लिए भी यही मैसेज होगा और गवर्नमेंट के लिए भी यही मैसेज होगा कि मुलाजमीन बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं, इनके मामला सेटल हैं। आपकी तादाद 29 मई की जो है डिसाइड करेगी इस तनख्वाहों में तफरीक के इशू को, जो पेंशन असलाहत हो रही है उसको रिवर्ट करवाना और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से इसके साथ साथ जो वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन है, वन टाइम डिस्पेंसेशन जो है कुछ साथियों को दी है, टेक्निकल को नहीं दी, डिफेंस ग्रेड साथियों जिनको दी है उनको भी पिछले स्केल की मराद दे रहे हैं वो, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटिजेंट जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, जो बार बार रेगुलराइजेशन की बात करते हैं कि आप अपनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे जो है आए अपने इशू को रेस करें। यह प्लेटफॉर्म ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का, रहमान बाजवा या किसी यूनियन एसोसिएशन का नहीं है, ये एक गुलदस्ता है, एक एक फूल एक एक कली मिलकर ये गुलदस्ता बना हुआ है, इकट्ठे होंगे तो मामला हल होंगे। वही मैसेज दूंगा हमेशा की तरह कि मुतहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। फजल मौला साहब बहुत बहुत शुक्रिया रहमान बाजवा साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रहमान बाजवा साहब का, बाकी जैन एजुकेशन कम्यूनिटी एसोसिएशन की तमाम की तरफ से आज जो हमारे पास जिस वक्त हमारे स्कूल है वहाँ तशरीफ है आपकी टीम के साथ, और हमने दफ्तर का फैसला किया जे के प्लेटफॉर्म से कि दो इश्यूज है मुलाजमी की बेसिकली कि तनाव की तफरीक को ख़त्म करना और पेंशन शिकार की नाम भी मुलाजमी के साथ एक जैद होने जा रही है, इसमें हम अगीला के साथ हमारे बाजा की कोऑर्डिनेटर तनखीम चल रही है, जो जजाज और जो जहरी चल उसका साथ देंगे बाकी साथ देंगे। आज हम ये बात देखिए कि 29 तारीख को जो एहतजाज होगा पास से ट्रेड में वजारत खजाना के सामने, उसमें तमाम एजुकेशन मुलाजमीन चाहे मर्द है चाहे खवातीन है उनको निकलना पड़ेगा, अपनी तारीशों करनी पड़ेगी, जिस तरह पहले निकले थे जेट प्लेटफॉर्म से डी चौक से लेके प्रेस क्लब तक जिस तरह रैली थी उसी तादाद में मैं अपनी तमाम मुलाजमीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक जब आप निकलें अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने मुस्तकबिल बचाने के लिए, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए आए हकीकत का साथ दें और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। मैं रहमान बाजवा साहब की तरफ शुक्रिया करूँ उनकी टीम का कि हमारे पास तशरीफ लाएँ और इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और अपनी ताकत शो करेंगे। दूसरी बात जो इस बात की हमारे एग्रीमेंट हुए कि जो मुजाकर टीम होगी इसमें जेट निगरानी की जात भी शामिल होगी, फाइनल मजाक टीम जब भी वजी खजान के साथ होती है जब भी हाई मुजाकरात होगी उसमें जेट नुमाइंदे जरूर रहमान बाजवा साहब के भी बैठेंगे, मुजाकर टीम कैसे होगी बहुत शुक्रिया रहमान बाजवा साहब तशरीफ लाने का। मैं दूसरा मोहन साहब से जो हमारे जन सकती है जेट के दौरान बताएँ तमाम मुलाजमी साथियों से दरख्वास्त है कि अपने इख्तलाफात बसे बरदारा
وقت ملازمین کے لیے واحد راستہ یہ آپس کا اتفاق ہے، چاہے وہ ایپکا ہو، چاہے عقیقہ ہو، چاہے اسلم خان تحریک والے ہوں، ہم تمام جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ باجوا صاحب کی بڑی مہربانی کہ وہ آئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ملازمین کے لیے وہ نکل رہے ہیں 29 تاریخ کو، تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ اور خاص طور پہ ایجوکیشن اسلام آباد کے ملازمین کے لیے ہے کہ 29 سے لے کر بجٹ تک بار بار آپ کو، چاہے وہ پشاور سے آئے ہو، چاہے پنجاب سے آئے، چاہے اسلام آباد سے آئے، ہم نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے تمام جائز مطالبات منوا کے اٹھنا ہے۔ ملازمین اتحاد زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد، جوائنٹ ایکشن کمیٹی زندہ باد۔